नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। यूपी के वाराणसी में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का परिवार पहुंचा, अस्थि कलश के साथ काशी पहुंचा अरुण जेटली का परिवार। गंगा में विसर्जित की गई अस्थियां। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का अस्थि कलश गंगा में प्रवाहित होने आज वाराणसी पहुंचा। यहां वाराणसी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर अरुण जेटली की अस्थियों का विसर्जन किया गया। पंचतत्व में विलीन होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का अस्थि कलश गंगा में प्रवाहित होने के लिए वाराणसी पहुंचा। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में अरुण जेटली का अस्थि कलश लेकर उनके पुत्र रोहन जेटली बाहर निकले। साथ ही उनकी बेटी सोनाली जेटली, पत्नी संगीता जेटली भी मौजूद रहीं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अरुण जेटली का परिवार उनका अस्थि कलश लेकर सीधे भाजपा के महानगर कार्यालय नीचीबाग की ओर कार से बढ़ गया। नीचीबाग के बाद सीधे अरुण जेटली के अस्थियों का विसर्जन वाराणसी के महाशमशान घाट मणिकर्णिका घाट पर हुआ। अस्थि कलश के साथ अरुण जेटली की बेटी और उनकी पत्नी के साथ बेटा सहित कुल 15 लोग मौजूद थे। आप देख रहे हैं वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। अरे सर, श्रद्धांजलि के आज मणिकर्णिका घाट पे आकर अस्थि विसर्जन करके पूज्य पिताजी के कार्य को समाप्ति दी। सारे जेटली जी का वाराणसी से बहुत लगाव था, 2 महीने कंटिन्यू 2014 से चुनाव कंटिन्यू में थे। ऐसे में आप काशी और पिताजी के लिए क्या कहना? बस पिताजी खुश रहें जहाँ पर रहें, वाराणसी से पुराना प्यार है। प्रधानमंत्री जी की मोक्षी नगरी है, मणिकर्णिका घाट की महत्वपूर्णता है, उस कारण से बस अब सब धन्यवाद सुख रहे हैं। नहीं चलो जी, आज महेश जी ये किस तरह से आज अस्थि कलश विसर्जन हुआ, आप लोग किस तरह से स्वर्गीय अरुण जेटली जी का आज अस्थि विसर्जन काशी आया और भाजपा के कार्यकर्ता उनके परिवार के लोगों ने अस्थि का विसर्जन किया। इधर प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई थी। ये वो सारा कार्यक्रम वो स्टेट के आज पूरे कार्यक्रम को उनके अतिथि के रूप में उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया था, तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और अरुण जेटली जी रक्षा के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में जो अब इस काम किया है, माँ भारती की जितनी सेवा की है, तो उनका पूरा देश उनको भूल नहीं सकता है। आज हम सब यहाँ बहुत विनम्र भाव से सजल आँखों से उनको उनका अस्थि विसर्जन किया। पूरा संगठन खड़ा है यहाँ मेरे, अरे मंत्री पूरा संगठन लगा हुआ है, वो इस संगठन का काम है और संगठन का क्षेत्र अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ये कोई विषय नहीं है। आज परिवार से कौन कौन आया है? परिवार से उनके पुत्र आए हैं, उनकी पुत्री आई हैं, पत्नी आई हैं, पूरा परिवार उनका 15 लोगों का परिवार आया हुआ है।
और पूरा संगठन इस काम में लगा है, पूरा प्रशासन लगा है, मुख्यमंत्री जी के ही निर्देश पे पूरा प्रशासन इस पूरे कार्य को देख रहा है। संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।